तो कैसे हो यारो? फाइनल भाई, फाइनली क्रंचीरोल ने बोल दिया है कि हम नरूटो शिपुडन को हिंदी में लाने वाले हैं। अब इसके प्रूफ मतलब ऑफिशियल में तो मैं ना वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाने वाला हूँ। उन्होंने कहाँ पे बोला कि हम नरूटो शिपुडन को ला रहे हैं, तमिल डब के अंदर और हिंदी डब के अंदर। तो मैं ऑफिशियली ना वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा और साथ में भाई वन पीस रिलेटेड हिंदी डब से रिलेटेड अपडेट है। तो स्वागत करता हूँ एनिमे न्यूज़ और अपडेट की सीरीज के अंदर एनिमे पत्रिका के अंदर। यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए ना एनिमे से रिलेटेड न्यूज़ और हिंदी अपडेट से रिलेटेड अपडेट्स लाता हूँ। तो चलो यार हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद करें। तो सबसे पहले हम न्यूज के बारे में बात करें तो वो आ रही भाई स्पाइक्स फैमिली की तरफ से। भाई इस एनिमे की हम बात करें तो उसका हिंदी डब का काफी ज्यादा लोगों को वेट था और लीक्स और रूमर्स निकल के ऐसे आ रहा है कि भाई क्रंचीरोल ने हिंदी डब पे काम कर रहा है। अब देखो ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है इस एनिमे की हिंदी डब में हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन भाई मेरे लीक्स और रूमर्स की बताऊं जिस तरफ से भाई मेरे लीक्स और रूमर्स पता चलते हैं, आप सबको पता कि वो कंफर्म ही होते ज्यादातर। लेकिन मैं बात करूं भाई ऑफिशियली नहीं पता, लेकिन लीक्स रूमर्स ये आ रहा है कि स्पाइक्स फैमिली हिंदी डब हो रहा है, मतलब क्रंचीरोल उसको हिंदी डब कर रहा है। अगली उसकी हम बात करें भाई वो निकल गई अटैक ऑन टाइटंस की तरफ से। भाई आप सबको पता है कि अटैक ऑन टाइटंस का जो फाइनल चैप्टर है वो 4 नवंबर को आने वाला है, 4-5 नवंबर को। इंस्टाग्राम और ट्विटर से भाई काफी ज्यादा ट्वीट्स हो रहे हैं कि भाई ना उस दिन ना इंटरनेट क्रैश होने वाला है। तो आपको लगता है कि यार अटैक ऑन टाइटंस का जो फाइनल चैप्टर है वो इंटरनेट ब्रेक कर पाए? जैसे हमने भाई ना गियर 5 और जैसे गोकू का जो अल्ट्रा इंस्टेंट था उसने भाई इंटरनेट ब्रेक करा था, उस हिसाब से अटैक ऑन टाइटंस इंटरनेट ब्रेक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, चलो देखते हैं 4 नवंबर को। अगली हम न्यूज की बात करें तो भाई वो आ रही डार्लिंग द फ्रैंक्स की तरफ से। भाई उसके तमिल डब से रिलेटेड क्रंचीरोल ने भाई ना डार्लिंग द फ्रैंक्स का भाई तमिल डब अनाउंस कर दिया कि उसका तमिल डब हो रहा है। अगली न्यूज की हम बात करें भाई वो निकल के आ रही है ऐसे शो की तरफ से। भाई वो एनिमे तो नहीं है लेकिन आप सबने उसको देखा जरूर होगा अभी इंडिया के रहने वाले हो तो। भाई मैं बात करूँ भाई तकेशी काशल के बारे में। भाई ये एक ऐसा शो है जिसको मैं पूरी फैमिली के साथ भाई बैठ के भाई सुकून से देखता था, वो भी क्या दिन थे यार। तकेशी काशल के जो नए सीजन से नए एपिसोड आपको देखने मिलने वाले भाई 2 नवंबर को अमेज़न प्राइम पर। अब क्या इसको ना पहले वाले वॉइस आर्टिस्ट डब कर रहा? नहीं भाई, इसको डब कर रहा भाई भुवन बाम और इसे मैं होस्ट कर रहा हूँ टीटू। हाँ यार इसको टीटू मामा डब कर रहा है यार। देखो मुझे पुराने वाले जो वॉइस आर्टिस्ट थे वो काफी ज्यादा पसंद था क्योंकि उनसे यार एक इमोशन था यार। लेकिन बात करते हैं देखते हैं टीटू मामा इसके अंदर वॉइस आर्टिस्ट के अंदर मतलब किस टाइप से डबिंग करेंगे। अगली न्यूज की हम बात करें तो वो निकल के आ रही नरूटो शिपुडन की तरफ से। जैसे कि मैं तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था भाई क्रंचीरोल वालों ने खुद ने बोल दिया है कि हम नरूटो शिपुडन को भाई हिंदी में भी लाने वाले, तमिल में भी लाने वाले, जितनी भी दीगर लैंग्वेज है मतलब तमिल तेलुगु उन सब में भी हम डब करने वाले हैं। अब जैसा कि यार तुम लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर तो तुम्हें पता होगा मैं कभी भी फेक वीडियो नहीं बताता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ प्रूफ के साथ बताता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ कहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, पूरे वर्ड टू वर्ड तुम्हें मैं बताने वाला हूँ। तो देखो इतनी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हारी लाया हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। तो चलो चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। देखो तुम्हें बाजू में ना एक स्क्रीन दिख रही होगी जहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का मतलब ऑफिशियली जो क्रंचीरोल इंडिया का है उसका भाई इंस्टाग्राम पेज खोल के रखा है। यहाँ पे उन्होंने एक पोस्ट करी थी भाई नरूटो से रिलेटेड। इस पोस्ट के अंदर भाई काफी लोगों ने कमेंट करा था भाई हमें ना नरूटो शिपुडन देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा हिंदी के अंदर, तमिल के अंदर, तेलुगु के अंदर। आप उन्होंने स्टार्टिंग में तो कुछ रिप्लाई नहीं करा था, लेकिन भाई मैं बात करता हूँ जब मैंने चेक करा आप उन्होंने भाई कुछ लोगों को रिप्लाई कर दिया है। उन्होंने रिप्लाई ये करा है भाई ये वर्ड आप देख सकते हो भाई ये एक तमिल वर्ड, अब इसका हिंदी मीनिंग मुझे नहीं पता इस चक्कर में मैंने इसको करा भाई गूगल। तो भाई क्रंचीरोल ने भाई जिन लोगों को रिप्लाई करा था जो वर्ड उसका मीनिंग था भाई सून। सून मतलब आपको जल्दी देखने को मिलने वाला भाई। अब क्रंचीरोल ने खुद ने बोल दिया भाई जिन लोगों ने उससे पूछा था नरूटो शिपुडन हमें देखने को मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है, उन्होंने ऑफिशियली रिप्लाई कर दिया जल्दी देखने को मिलने वाला है। इसका मतलब हमें सीधी चीज पता चल जाती है कि नरूटो शिपुडन हिंदी में आने वाला है, उसको ला रहा भाई क्रंचीरोल। अब चीज हमें यहाँ पे तो एक चीज क्लियर हो जाती है, लेकिन काफी लोगों को डाउट ये आ रहा होगा हमें सोनी ये पे देखने को नहीं मिलेगा। भाई यही सेम चीज कंफ्यूजन भाई मुझे भी थी क्योंकि कुछ टाइम पहले भाई एक तमिल वॉइस आर्टिस्ट ने बोला था कि आपको ना नरूटो शिपुडन भाई सोनी ये पे देखने को मिलने वाला है, क्योंकि भाई हमने ओजी नरूटो भी मैंने सोनी ये चैनल पे देखा था। मैं चाहता था कि नरूटो शिपुडन हमें सोनी ये पे देखने को मिले क्योंकि भाई सोनी ये पे हम फ्री में देख सकते हैं टीवी पर। लेकिन हम बात करते हैं भाई सोनी ये की तरफ से हमें ऑफिशियल कोई अपडेट देखने को नहीं मिला, लेकिन क्रंचीरोल ने अपडेट कर दिया कि आपको हमने जल्दी हम शिपुडन देखने को मिलने वाला है। तो भाई इसका मतलब भाई क्रंचीरोल इसको ऑफिशियल हिंदी डब लाने वाला है, सोनी ये नहीं ला रहा है, आपको क्रंचीरोल पे देखने को मिलेगा। लेकिन कब तक देखने को मिलेगा भाई? मैं लीक्स और रूमर्स की मानूं तो हम सबको पता भाई क्रंचीरोल जब भी बोलता है कि सून उसका मतलब होता है 1-8 महीने के अंदर। भाई अब चल रहा भाई नवंबर, हमें देखने को मिल जाएगा भाई दिसंबर के एंडिंग तक, मतलब दिसंबर तक आपको भाई नरूटो शिपुडन हिंदी तमिल तेलुगु जितनी भी लैंग्वेज है सब के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब आती भाई सोनी की बारी। सोनी की बारी से मेरा मतलब था कि सोनी कोई सा भी एनिमे हिंदी डब में नहीं ला रहा है, क्योंकि भाई नरूटो शिपुडन की हम बात करें तो उसको तो क्रंचीरोल ला रहा है। नहीं भाई हमें सोनी पे भी नहीं काफी बड़ा एनिमे हिंदी डब में देखने को मिलने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ वन पीस के बारे में। देखो अब ऑफिशियली न्यूज तो नहीं आई, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था भाई नरूटो शिपुडन ऑफिशियल न्यूज में है, लेकिन हम बात करते हैं भाई वन पीस की। तो वन पीस का ऑफिशियल कुछ नहीं पता कि सोनी ला रहा है नहीं ला रहा है। लेकिन मैं बात करता हूँ भाई लीक्स और रूमर्स की। भाई मैं लीक और रूमर्स की बात करूँ तो भाई मुझे एरे गेरे सोर्स से पता नहीं चला, जब भी मुझे पता चलता है ज्यादा तुम लोगों को पता है भाई वो चीज आती है। मैं बात करूँ तो भाई मुझे पता चला कि जो वन पीस है भाई आपको देखने को मिलने वाला है सोनी ये पे दिसंबर के अंदर।
क्योंकि भाई हम बात करते हैं भाई नरूटो शिपोडेन की, भाई वो देखने मिलने वाला हमें क्रंचीरोल पे, तो भाई सोनी ये खाली हाथ नहीं बैठेगा, वो भी वन पीस को हिंदी डब के अंदर लाएगा। अब देखो मुझे नहीं पता कितने एपिसोड वो हिंदी डब के अंदर करेंगे, मेरे हिसाब से भाई 500 के अंदर, मतलब जितने 500 के अंडर एपिसोड वो हिंदी डब के अंदर करेंगे, क्योंकि सोनी को पता है एनिमे के अंदर कितनी पोटेंशियल है। पोटेंशियल की बात करते करते पता नहीं क्या होगा, लाइट खराब हो गई पीछे की, तो वो छोड़ो यार मैं बताता हूँ तुम्हें आगे की चीज। देखो मैं भाई तुम जैसे कि तुम्हें पता है सोनी को वालों को भी पता कि एनिमे के अंदर कितनी ज्यादा पोटेंशियल है। मैं बात करूँ भाई जब ओरिजिनल नरूटो को उन्होंने हिंदी डब करा था, तुम यकीन नहीं करो भाई 18 मिलियन, मतलब उनके ना जो टोटल व्यू भाई नरूटो को, मतलब ओरिजिनल नरूटो जो आते थे भाई 18 मिलियन व्यू आते, मतलब सोच सकते हो कितना ज्यादा उनको प्रॉफिट हुआ होगा। भाई वो लोग ना भाई नरूटो शिपोडन को हिंदी डब नहीं कर पाए, तो वो है ना वन पीस को हिंदी डब जरूर करेंगे। तो चलो यार इतनी इन्फॉर्मेशन थी, इतने भी अपडेट थे, मैंने उसमें सब बता दिया। भाई जो नरूटो शिपोडन सीरीज थी वो ऑफिशियल थी, वो वन पीस की बात करूं तो भाई उसके लीक्स आए थे। तो चलो यार तुमको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस लाइट को मैं अभी सही करता हूं थोड़ी देर से।